अस्सलाम वालेकुम, माजू के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा भामर। आप देख रहे हैं लाइव सेशन रिगार्डिंग MScS ब्रिज प्रोग्राम। आज के सेशन में हमारे साथ मौजूद है सर सैफुल इस्लाम, जो कि टारगेट करेंगे MScS ब्रिज प्रोग्राम को और बताएंगे उसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। सर ने MScS डेटा साइंस में किया हुआ और उन्होंने फास्ट यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स कम्प्लीट किया। करेंटली वो एज ए लेक्चरर CS डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं। एडिशनली MScS ब्रिज प्रोग्राम के प्रोग्राम एडवाइज़र भी हैं। आपके रिसर्च एरियाज कंप्यूटर विजन और डेटा एनालिटिक्स हैं। सर वेलकम टू द शो। आपसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ कि व्हाई मास्टर्स इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो मास्टर्स इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे यहाँ आम तासुर यह है कि मास्टर्स सिर्फ एकेडमिया में जाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, कि अगर हमें आगे जाके एकेडमी में ज्वाइन करना है, लेक्चर बनना है या एकेडमिक फील्ड से बिलोंग करना है आगे जाके, तो हम मास्टर्स करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी प्रेफर करती हैं कि उनके पास मास्टर्स होल्डर, डिग्री होल्डर्स लोग आएँ। मास्टर्स का फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो आपकी रिसर्च स्किल्स इम्प्रूव करते हैं। आपकी रिसर्च स्किल्स के साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टेक्निकल राइटिंग, ये चीज़ इम्प्रूव करते हैं। दूसरा, आपको अपनी फील्ड को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका देता है। आपकी फील्ड की जो डीप उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए मास्टर्स डिग्री इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आजकल अब हम देख रहे हैं कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें रिसर्च का काम तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, स्पेशली इन द फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंसेस। तो ये ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें रिसर्च की ज़रूरत है, और रिसर्च की ज़रूरत के जो है वो एक गैप पैदा करती है कि हमारे पास ऐसे लोग हों जिनको, इनके पास रिसर्च स्किल्स हों। तो ये रिसर्च स्किल्स आपके पास मास्टर्स प्रोग्राम से डेवलप होती हैं। ठीक है, तो मास्टर्स प्रोग्राम ये वजूहात है जिनकी बिना पर मैं कहता हूँ कि मास्टर प्रोग्राम ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। सर MScS ब्रिज प्रोग्राम के बारे में बता दें कि क्या है। ओके, MScS ब्रिज प्रोग्राम क्या है? इससे पहले हम ज़रा बैकग्राउंड में चले जाएँ कि MScS ब्रिज प्रोग्राम की ज़रूरत पेश क्यों आई। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे पास पहले BSc और MSc या BA की डिग्रीज होती थी। ग्रेजुएशन की डिग्री 2 साल की होती थी, हम चुके थे BSc, और मास्टर्स की डिग्री भी 2 साल की होती थी। डेट वॉज एक्चुअली स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन जो कि थी MSc। अब हुआ ये कि HEC ने BSc और MSc 2 साल डिग्रीज को ख़त्म कर दिया, डिसकन्टिन्यू कर दिया। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 साल की डिग्री कर रखी है और वो आगे मास्टर्स करना चाहते हैं। अब मास्टर्स करने के लिए 16 ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। अब जो डिग्री है वो BS है जो कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, और MS है जो कि 18 ऑफ एजुकेशन है। अब जिनकी 16 ईयर्स से कम एजुकेशन है वो मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में दाखिला कैसे लें? तो ब्रिज प्रोग्राम एक ऐसा ब्रिज है, इसको हम ब्रिज इसलिए कहते हैं, जो उनकी ये डेफिशिएंसी जो 2 साल की उनकी एजुकेशन रह गई है उसको कम्प्लीट करके उनको एलिजिबल बना देगा कि वो मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर इनरोल हो सकें। ठीक है, तो जो ब्रिज प्रोग्राम है ये उनकी जो 12 एजुकेशन है किसी की, तो 2 साल का हम उसको ब्रिज करवाएंगे और उसके बाद वो मास्टर्स में एडमिशन ले सकता है। तो इसके अलावा दूसरी चीज़ MS ब्रिज प्रोग्राम की जो नीड है वो होती है ऐसे लोगों के लिए जो कि अपनी फील्ड स्विच करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने BCom किया हुआ है 2 साल का, ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल 4 ईयर का एक प्रोग्राम किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और आप चाह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस के अंदर आप मास्टर्स करें। ठीक, तो इस सिलसिले में भी अगेन हम ब्रिज से गुजारते हैं उनको। जिन्होंने BCom किया हुआ है उनको हम 2 साल का ब्रिज करवाते हैं MScS का, और जिससे वो गुजरते हैं, देन दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस। सिमिलरली जो हमारे पास इररेलेवेंट प्रोग्राम से आ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने BS किया हुआ है 4 साल का, और उनको कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करना है, तो उनको भी हम 1 साल के ब्रिज से गुजार के जो है वो मास्टर्स करवा रहे होते हैं। सर, MScS ब्रिज प्रोग्राम और MScS प्रोग्राम डिफरेंट कैसे है? ये डिफरेंट इस तरह से हैं कि MScS ब्रिज प्रोग्राम जो है वो एक्चुअली MS तक ले जाने का रास्ता है, एक ब्रिज। ठीक है, MScS प्रोग्राम जो है वो 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है जो कि 16 ईयर के बाद स्टार्ट होती है, और MScS ब्रिज क्या है वो आपको 16 ईयर ऑफ एजुकेशन तक लेके जा रहा है। अगर आपकी 14 ऑफ एजुकेशन है तो आपको 16 तक लेके आ रहा है। अगर आपका 1 साल का गैप है तो 1 साल का ब्रिज होगा, अगर आपका 2 साल का गैप है तो 2 साल का ब्रिज होगा। ठीक है, तो वो आपको वही ब्रिज कवर करने के लिए, ये गैप कवर करने के लिए आपको ब्रिज प्रोग्राम से गुजरना पड़ता है। सर, ब्रिज में और डेफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है? अच्छा, डेफिशिएंसी हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जो कि अगर आपने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में अप्लाई किया है और कुछ कोर्सेज आपके ऐसे हैं जो कि आपने बैचलर्स में नहीं पढ़े, आप जो है वो किसी रेलेवेंट प्रोग्राम से आ रहे हैं,
कंप्यूटर साइंस से आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, या आप BS IT से आ रहे हैं और आपने कुछ कोर्सेज़ हैं हमारे पास, एक लिस्ट है 6 कोर्सेज़ हैं जो कि हम चेक करते हैं कि वो आपने पढ़े होने चाहिए बैचलर्स में। अगर आपने नहीं पढ़े तो आपको मास्टर्स में पहले ये कोर्स पढ़ाएंगे, फिर आपको मास्टर्स के कोर्स देंगे, ठीक। अब वो कोर्सेज़ क्या क्या हैं, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ये वो 6 कोर्स हैं जिनमें जो कहलाते हैं डेफिशिएंसी कोर्सेज, जो कि मास्टर्स प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हुए हम चेक करते हैं स्टूडेंट के कि उसने ये कोर्स किए हुए नहीं किए हुए, ठीक है। ब्रिज क्या है, ब्रिज है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी से डिफरेंट चीज़ है, वो ये है कि आपके एयर ऑफ एजुकेशन ही कम है, आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने 2 साल का किया हुआ है, ठीक है, तो आपको वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन पूरा करने के लिए हम आपको ब्रिज से गुजारते हैं। सर इनके ग्रेजुएट्स की क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं? कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बेशुमार है, ये एक ऐसी फील्ड है कंप्यूटर साइंस जिसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको हर जगह नज़र आएंगी। आप कोई भी शोभा निकाल लें, आप बैंकिंग ले लें, आप मार्केटिंग ले लें, आप फाइनेंस ले लें, आप जितने भी आप शोभे देखेंगे आपको हर जगह कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं, आप डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं, आप नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं, आप डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, गिनवाना चाहें तो हम बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है कैरियर की वो गिनवा सकते हैं, ठीक है। तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा हैं इस फील्ड के अंदर। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का MSCS? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर ये है कि आपकी जो है वो 50% और 2 CGPA होनी चाहिए। तो 50% आपकी, अगर परसेंटेज सिस्टम से आप आ रहे हैं तो आपकी 50% होनी चाहिए, और अगर आपका जो सिस्टम CGPA का है तो आपकी 2 CGPA कम से कम होनी चाहिए इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। MSCS ब्रिज प्रोग्राम में क्रेडिट आवर्स कितने होते हैं? अच्छा, MSCS ब्रिज प्रोग्राम और उसके बाद फिर MSCS स्टार्ट होता है एक्चुअली। तो पहले मैं बता देता हूँ MS ब्रिज प्रोग्राम, तो MS ब्रिज प्रोग्राम अगर आपको ब्रिज आपका 1 साल का है, ठीक है, आपके 13 ईयर ऑफ एजुकेशन थी या आपकी 16 ऑफ एजुकेशन थी नॉन रेलेवेंट बैकग्राउंड में और आपको 1 साल का ब्रिज करना पड़ रहा है, तो उसमें आपके पास 9 कोर्स होते हैं और एक कैप्स्टोन प्रोजेक्ट होता है, दैट इज 10 कोर्सेज, ठीक है, दैट इज 30 क्रेडिट आवर्स। अच्छा, दूसरा आपके पास अगर 2 साल का ब्रिज है तो 2 साल के ब्रिज में आप वी हैव 19 कोर्सेज, ठीक है, आपको 19 कोर्स पढ़ने होंगे और एक आपका कैप्स्टोन होगा, डैट काउंट्स 60 क्रेडिट आवर्स, ठीक है। और ये ब्रिज आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपका मास्टर शुरू होगा, मास्टर इज ऑफ 30 क्रेडिट आवर्स, ठीक है। तो 30 क्रेडिट्स आपके मास्टर्स के होंगे MSCS के, और ब्रिज के अगर ब्रिज 1 साल का है तो 30 क्रेडिट आवर्स होंगे, और अगर ब्रिज 2 साल का है तो 60 क्रेडिट आवर्स होंगे। सर इस प्रोग्राम में हमारे पास स्पेशलाइजेशन किस किस में ऑफर कर रहे हैं? हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स हैं जिसमें डाटा एनालिटिक्स आजकल बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि डाटा साइंस और डाटा एनालिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, नेटवर्किंग है, तो इन फील्ड्स के अंदर हम आप लोगों को स्पेशलाइजेशन करवा रहे होते हैं। सर कितने ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर हमें MSCS ब्रिज प्रोग्राम को कंप्लीट करना है? ओके, इट डिपेंड्स। पहले मैं बात कर लेता हूँ MSCS ब्रिज की, देन आई विल टॉक अबाउट द मास्टर्स प्रोग्राम MSCS। MSCS ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए अगर आप फुल सेमेस्टर लोड लें तो ये आप 2 साल में कर सकते हैं, ठीक है। MSCS ब्रिज प्रोग्राम में आपके पास अगर 2 साल का आपका प्रोग्राम है, MSCS ब्रिज का 2 साल का ब्रिज करना है आपको, तो यू हैव 5 कोर्सेज इन 1 सेमेस्टर। तो एक सेमेस्टर में अगर आप 5 कोर्स करेंगे तो आप 4 सेमेस्टर के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका 1 साल का ब्रिज है, ठीक है, तो फिर आप अगेन 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं इसको, 5 कोर्स अगर आप 1 सेमेस्टर में लें तो। लेकिन अगर आपने 1 सेमेस्टर में एक कोर्स ड्रॉप कर दिया, कम कोर्सेज लिए, तो फिर आपका ये ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। आप कम जितने कम कोर्स लेंगे उस तरीके से आपका ये जो डिग्री प्रोग्राम है एक्सटेंड होता जाएगा। अगर हम बात करें MSCS की, तो MSCS का जो है वो 2 साल का टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है, और उसमें आपके 30 क्रेडिट आवर्स होते हैं, ठीक है। क्या हम MS के कोर्सेज भी MSCS ब्रिज प्रोग्राम के साथ ले सकते हैं? नहीं, MS के कोर्सेज आप ब्रिज के दौरान नहीं ले सकते। जब आपका ब्रिज कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर आप एलिजिबल होंगे कि आप MS के कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कोर्स ऐसा है जो डेफिशिएंसी में आ रहा है लेकिन आपने वो पहले ही पढ़ चुके हैं तो क्या वो एग्जेम्प्ट हो जाता है? ओके, हमारे पास एडमिशन कमेटी है जो कि जब स्टूडेंट आता है एडमिशन के लिए तो हम उसकी ट्रांसक्रिप्ट देखते हैं और फिर वो एडमिशन कमेटी डिसाइड करती है कि ये कोर्स एग्जेम्प्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन ज़्यादातर हमें उस वक्त आता है जब एक स्टूडेंट आ रहा होता है BSc करके 2 साल का या 3 साल का इन कंप्यूटर साइंस। अब उसने 2 साल का BSc किया हुआ है या 3 साल का BSc किया हुआ है,
अब उसको एमएस कंप्यूटर साइंस करना है लेकिन उसकी एयर ऑफ एजुकेशन 16 से कम है तो उसको ब्रिज से होकर गुजरना पड़ेगा। अब बहुत से कोर्स ऐसे होंगे जो कि उसने कर लिया है और हमारे पास जो ब्रिज का करिकुलम है उसमें वो मौजूद होंगे, तो इस केस में हम ये करते हैं कि जो कोर्सेज उसने पढ़ लिए हैं वो हम एग्जाम कर देते हैं और उसकी जगह उसको कोई और इलेक्टिव्स पढ़ा देते हैं, बट नंबर ऑफ कोर्सेज उसने पूरे करने होंगे। अगर उसको एक साल का ब्रिज लगा है तो उसको एक साल के जो 9 कोर्सेज हैं वो सारे कंप्लीट करने होंगे। अगर उसने कुछ कोर्स पढ़ लिए हैं वो हम एग्जाम कर देंगे, उसकी जगह उनको इलेक्टिव्स पढ़ा देंगे। तो कैट आवर्स हर सूरत में कंप्लीट करने हैं, ठीक है, बट कोर्सेज हम एग्जाम कर देंगे, उसकी जगह आपको इलेक्टिव्स दे देंगे। सर डेफिशिएंसी कोर्सेज पहले कंप्लीट करने की जरूरत है या हम मिक्स करके कोर्सेज पढ़ सकते हैं? इट डिपेंड्स। अगर आपके पास डेफिशिएंसी कोर्सेज हैं फॉर एग्जांपल 4, ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, आप पहले सेमेस्टर में सिर्फ डेफिशिएंसी कोर्स पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास डेफिशिएंसी कोर्स एक हैं या दो हैं, ठीक है, आपका जो मिनिमम कोर्स लोड होता है हमारा मैक्सिमम कोर्स लोड होता है वो होता है 4 का एमएससीएस के अंदर, तो आप डेफिशिएंसी कोर्सेज के साथ दूसरे कोर्स पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डेफिशिएंसी कोर्स इतने सारे हैं कि आप उसके साथ कोई और कोर्स नहीं पढ़ सकते तो फिर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ डेफिशिएंसी कोर्स पढ़ने पड़ेंगे। एक सेमेस्टर में मैक्सिमम और मिनिमम कितने कोर्सेज हम ले सकते हैं? अच्छा, पहले मैं एमएससीएस ब्रिज की बता देता हूँ कि एमएससीएस ब्रिज के अंदर हमारे पास जो है वो कोर्सेज एक सेमेस्टर में आप लोग कम से कम कोर्सेज 3 ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 कोर्स ले सकते हैं। दिस इज़ अबाउट एमएससीएस ब्रिज। और मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस दैट इज एमएससीएस, उसके अंदर आप कम से कम 3 कोर्स और ज़्यादा से ज़्यादा 4 कोर्स ले सकते हैं एक सेमेस्टर के अंदर। सर एमएससीएस ब्रिज प्रोग्राम की और मास्टर्स की क्या क्या टाइमिंग्स होती हैं? अच्छा, एमएससीएस ब्रिज प्रोग्राम जो है उसकी टाइमिंग्स होती हैं वीकेंड पे। इसमें ज़्यादातर वही लोग अप्लाई कर रहे होते हैं जिनको या तो अपनी डिग्री ट्रांजिशन करनी होती है, कंप्यूटर साइंस फील्ड में आना होता है, मास्टर्स करना होता है, तो वो जॉब कर रहे होते हैं। अब उनकी जो टाइमिंग हमने रखी है वो रखी है हमने वीकेंड्स के ऊपर, सैटरडेज एंड संडेज, तो 8:30 से ले के 9 तक इन द इवनिंग, ठीक है, ये क्लासेस चलती हैं, ठीक है, तो इस दौरान किसी भी टाइम में आपकी क्लास हो सकती है, ठीक है, तो सैटरडेज और संडेज को एमएससीएस ब्रिज प्रोग्राम की क्लास होती है। अच्छा, अब बात करते हैं एमएससीएस की, तो एमएससीएस का जो प्रोग्राम है उसकी क्लासेस वीकडेज पे वीकेंड्स में होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो वीकेंड्स हैं वीकेंड्स के अंदर भी इनकी क्लासेस पॉसिबल हैं, हो सकती हैं, ठीक है, और जो वीकडेज हैं उसमें इवनिंग के अंदर, इवनिंग में 6 से लेकर 9 के दरमियान जो क्लासेस हैं वो मास्टर्स की हो रही होती हैं, ठीक है। माजू कौन कौन से स्कॉलरशिप क्राइटेरिया जो है वो देता है हमारे पास अप्लाई करने के बाद? अच्छा, माजू के हमारे पास जो स्कॉलरशिप क्राइटेरियाज हैं वो ये हैं कि अगर आपने बैचलर्स के अंदर अगर आपका परसेंटेज सिस्टम था तो आपकी अगर परसेंटेज जो है वो 80 से ऊपर है, ठीक है, तो आपको 50% हम जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफ दे देंगे, ठीक है, डिस्काउंट दे देंगे। अगर आपकी परसेंटेज जो है वो 70 से 80 के दरमियान है तो आपको 25% डिस्काउंट होगा। सिमिलरली अगर CGPA सिस्टम की बात करें तो अगर आपकी CGPA 3.5 से अबव है तो आपको 50% डिस्काउंट होगा आपकी ट्यूशन फी के अंदर, और अगर आपकी CGPA जो है वो 3 से लेकर 3.5 के दरमियान तो आपको 25% डिस्काउंट आपकी ट्यूशन फी में मिल जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की रिगार्डिंग MScS ब्रिज और MScS प्रोग्राम के। आई होप आप सबको डिफरेंस समझ आ गया होगा दोनों प्रोग्राम्स का। इसी के साथ इजाज़त दें हमें आज के सेशन से, फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।